गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 19, जिसमें हमने आपके लिए पैराग्राफ दिए हैं। आपको ध्यान से उन पैराग्राफ को पढ़ना है और उनके प्रश्नोत्तर करने हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम देखते हैं हमारा वर्कशीट। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 19, क्लास फोर्थ, जिसके अंतर्गत हमने लिया है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के अंदर हमने बताया है कि व्यक्ति को जीवन में सुख शांति अपनानी चाहिए, सन्मार्ग पर सदैव चलना चाहिए, जीवन में दया, परोपकार, स्नेह, सत्य, सहानुभूति के द्वारा सभी का सहयोग करना चाहिए। इन सभी कर्मों को करने से जीवन शुभ और मंगलमय होता है और हम न केवल परिवार बल्कि समाज, देश और विश्व के लिए भी खुशी की लहर ला सकते हैं। साथ ही साथ हमें पर्यावरण संरक्षण और जल को संरक्षित करने की दिशा में भी कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, इस पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, वो आपको पूरे सही आंसर हैं, अपने नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद में है सेकंड पैराग्राफ, जिसमें परिश्रम के महत्व को बताया गया है। किस प्रकार व्यक्ति परिश्रम के द्वारा अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकता है, न केवल अपने जीवन में अपितु विश्व कल्याण में भी अपनी सहभागिता निभा सकता है। तो यहाँ भी इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो आपको समझ कर अपनी आंसर कॉपी में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय।